नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची की पीएमएलए कोर्ट को ईडी ने व्हाट्सएप चैट के कुछ पन्ने सौंपे हैं। इनमें कई आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर और पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैटिंग विनोद सिंह के मोबाइल से मिले थे। कहा जा रहा है कि ईडी के पास ऐसे व्हाट्सएप चैट के 504 पन्ने मौजूद हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इन व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ईडी को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा है कि पूछताछ में हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी ये रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए, और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी की ओर से कोर्ट को सौंपे गए व्हाट्सएप चैट से साफ हो गया है कि किस तरह से पैसों का लेन देन हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के मोबाइल और घर से कई एडमिट कार्ड मिले, इसमें मोटी रकम के लेन देन की आशंका है। उन्होंने इस चैटिंग को देखते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेएसएससी पेपर लीक कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से और 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर ली है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। इससे पहले ईडी की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। सुनवाई के बाद उन्हें वापस ईडी दफ्तर ले जाया गया। वहां फिलहाल हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है। तो पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा है, जहां उन्हें सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती है, पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जाती है, कमरे में दिन रात गार्ड मौजूद रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता ने भी उन्हें बेसमेंट में रखने पर आपत्ति जताई। तो इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हेमंत सोरेन को समझना होगा कि वो जेल में है। तो किस तरह की सुविधाओं की वो सोच रहे हैं? ये मुख्यमंत्री आवास नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी। अभी आप काल कोठरी में होते तो वहाँ शायद चीजें और खराब होती। अब आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति और सुविधाएं मांग रहा हो और प्रश्न से बचने के लिए इस तरह की बातें बना रहा हो, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। हमारा मानना है कि जो प्रश्न हो रहा है उनसे उसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि आपको अधिकांश चीज़ों का याद नहीं रहता, तो दो चार बादाम खा लें, शायद याददाश्त और मजबूत हो जाए। लेकिन जो पूछताछ हो रही है उसमें सहयोग करें। और कुछ एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं। महाधिवक्ता जी ने अपनी बात कही कोर्ट को। अब मानव अधिकार इस देश में कितना बचा है, हमारा आर्टिकल 32 को जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाता है वो साफ बता देता है कि हालात क्या है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर अगले 5 दिन तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। ईडी की अपील पर पीएमएलए कोर्ट ने उनकी दूसरी रिमांड मंजूर कर ली। कहा जा रहा है कि रिमांड के दौरान ईडी को हेमंत सोरेन से कई और जानकारी हासिल करनी है। साथ ही बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के साथ आमने सामने बैठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
ईडी दफ्तर में एक बार फिर हेमंत सोरेन को लाया गया है। दरअसल ईडी के विशेष अदालत के द्वारा हेमंत सोरेन के रिमांड को एक्सटेंड किया गया है। बता दें कि पूरे मामले में जो जानकारी है, ईडी की तरफ से 7 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मानते हुए 5 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो ईडी को दी है। दूसरी बार हेमंत सोरेन को 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। इन 5 दिनों में ईडी के अधिकारी लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद, जो कि बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व कर्मचारी थे, उन्हें भी ईडी ने रिमांड पर लिया है और इन दोनों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो इस वक्त ईडी दफ्तर में जारी है। साफ तौर से अगर कहें तो इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। एक तरफ जहां महाधिवक्ता ने हेमंत सोरेन को लेकर कई दलीलें जो हैं वो दी है, हेमंत सोरेन की बातों को रखा है कि ईडी दफ्तर में उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन अदालत में ईडी के द्वारा भी कई दलीलें रखी गई जिसके अनुसार अदालत के द्वारा 5 दिनों की रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अब देखना होगा कि इन 5 दिनों में ईडी के अधिकारी क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो हेमंत सोरेन से निकाल पाते हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की बड़गाई अंचल कार्यालय में खूब चलती थी। भानु प्रताप प्रसाद की साजिश से पर्दा तब उठा जब सेना की जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया। ईडी ने भानु प्रताप के ठिकानों पर रेड की तो एक कमरे में जमीन के दस्तावेजों का पिटारा भी मिला। बड़गाई अंचल के आउटसोर्सिंग अमीन शशेंद्र महतो की पत्नी प्रमिला देवी का कहना है कि भानु उनके पति से कई उल्टे सीधे काम कराता था। सेना की जमीन को लेकर भी उन्होंने आगाह किया था पर भानु प्रताप नहीं माना। जिस जमीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा गया है उसकी पहचान भी शशेंद्र महतो से कराई गई थी। जब शशेंद्र ने उल्टे सीधे काम करने से मना कर दिया तो भानु प्रताप ने निजी अमीन को रख लिया। सेना का जमीन में भी मेरा हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि ई सेना का जमीन है, इसको आप लोग किसी तरह का इसमें हस्तक्षेप मत कीजिएगा कह के सीओ सीआई कर्मचारी सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे। अमीन होने के नाते हुजूर ये तो सेना का जमीन है, इसमें तो आप कुछ दिमाग मत लगाइए कह के, लेकिन इनका तो फील्ड वर्क था, ऑफिस में तो इनको रहते नहीं थे और ऑफिस में का होता है नहीं होता है उतना इनको नॉलेज नहीं हो पाता था। प्राइवेट अमीन भी रख लिए थे भानु? हाँ, प्राइवेट अमीन इनको ये बहुत सा काम को इग्नोर कर दे रहे थे कि ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ कह के, तो वो अलग से एक अमीन भी हायर किए हुए थे और चल रहे थे। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने ईडी पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि ईडी जैसी जांच एजेंसी को बीजेपी ने मोहरा बना लिया है और इसके जरिए विपक्षी दलों की सरकारों को परेशान किया जा रहा है। अगर ईडी बिना बायस्ड हुए अपना काम करे तो निश्चित रूप से ईडी का साथ देना चाहिए और समन पे जाना चाहिए, लेकिन जब देखा जाता है कि जो सत्ता पक्ष में नहीं है, दूसरे किसी पार्टी में है और उनकी लोकप्रिय सरकारें हैं, सिर्फ उन्हीं के यहाँ ईडी जाती है, इसको लेकर लोगों के मन में संशय हो जाता है और ईडी से बचते हैं। अगर वो बायस्ड ना होकर सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के जिन पर आरोप हैं उनके यहाँ जाए तो इस तरह की घटना नहीं होगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री बनने के सवाल पर अनभिज्ञता जताई है। रांची में उन्होंने कहा कि वो 4 बार से विधायक हैं पर मंत्री कौन होगा इसका फैसला मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस आलाकमान को करना है, मंत्री का नाम तय करना उनका काम नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हमारे कांग्रेस से जरूर कुछ लोग बनेंगे और ये सारा चीज तय करना, पुराने लोग बनेंगे कि नए लोग बनेंगे कि कैसे बनेंगे, ये सारा तय करना शीर्ष नेताओं को है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को है। और हमें लगता है कि जो काम विकास के चल रहे तो उस काम को आगे बढ़ाना होगा, मंत्रिमंडल को बस विषय इतना ही है। सच यही है कि भाई हम 4 बार पहले विधायक थे, इस बार भी विधायक हैं,
आज भी विधायक है और एक साल और विधायक रहेंगे, ये निश्चित है। अब मंत्री कौन बनेगा ये मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 15 फरवरी को पलामू में होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के अंतिम दिन वो पलामू आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि दूसरे चरण की न्याय यात्रा 14 फरवरी से शुरू होगी, जबकि 15 फरवरी को पलामू में बड़ी सभा होगी। ये चरण में पलामू में यह न्याय यात्रा प्रवेश करेगी और संभवतः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे। और अभी पलामू में एक सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, इस तरह का विचार भी बात हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार पैतृक गांव जिलिंगगोड़ा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वीर डिबा किसून की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही जहार स्थान पर पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा की और पेड़ भी लगाया। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से छोड़े गए सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। झारखंड में साधना स्थल का सुंदरीकरण किया जा रहा है, ये हेमंत बाबू का सोच है जी। दूसरी है वो भी काम शुरू किया है मूलवासी का, उनका भी धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल को भी आप सुंदरीकरण हम लोग करने जा रहा है, जैसे आदिवासी का हम लोग करने जा रहा है, मूलवासी का भी धार्मिक स्थल इसी तरह सुरक्षित हम लोग करेंगे, ताकि यहाँ का आस्था, यहाँ का जो परंपरा है वो हम लोग उस परंपरा को जीवित रखें, क्योंकि बड़ा लंबा इतिहास है आदिवासियों का, मूलवासी का बड़ा संघर्ष स्ट्रगल किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 फरवरी को गढ़वा आ सकते हैं। सीएम के दौरे की तैयारी को लेकर डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक पांडे ने डुमरो के ग्राउंड का जायजा लिया है। इस मौके पर कई आला अफसर मौजूद थे। दोनों अफसरों ने मंच की व्यवस्था से लेकर वीवीआईपी एंट्री, सड़क और अतिथियों के आगमन के साथ साथ लाभुकों के बैठने का इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से गढ़वा वासियों को कई विकास योजनाओं की भी सौगात दी जाएगी। लातेहार पलामू भी एक्सपेक्टेड है, लातेहार पलामू और गढ़वा।